No, I'm not recording you. Is this the good highway for the truck? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, देखा? एकदम अन्ना हो गया मैं. वॉटसन लेक से कभी भी जिंदगी में चार नंबर हाईवे लेके. जब कोई बंदा दिखता ना भाई, खुशी बड़ी होती इस रोड के ऊपर की शुगर है. भाई वीडियो शुरू होते ही यूकॉन की पहली स्केल और वो भी ओपन. वॉटसन लेक वाले एरिया में अभी एंटर हुए और पहले स्केल ही आई है. मेरे ख्याल में यही एंट्री होगी, इनको बोर्ड लगाना चाहिए था यहाँ पे. अभी मालूम नहीं इसका क्या हिसाब किताब है. वेट तो अपना बिल्कुल सही है यार, वेट तो अपना है ही नहीं. स्टॉप रिपोर्ट विद पेपर्स. रोक लिया भाई स्केल वाली ने. Someone will come first time, then they will already let them know, like. Because this is the main road up to Farrell, which is okay. It's all. You go through Whitehorse up to Carmax, and then because this was what the mine used. So how many kilometers like on this one? Just a second. Okay. Farrell going the back way. Okay. It's 428 kilometers. This way. Yeah. Okay. And to get to Carmax. Carmax, yeah. Up to there. It's 626 and then however far it is. Okay. Oh, I will take this one. Scale ke andar hum bhai. मैडम है, उनसे मैप समझ रहा हूँ. ये वाला यहाँ पे जाना है मेरे को फेरो. मैडम पूछ दी कहाँ से जाओगे. हम खड़े हैं वॉटसन लेक में. यहाँ पे हम लेके जाएंगे ये चार नंबर से राइड मार के ये फेरो में रुकेंगे. What's under the tarps? The tarp which we spread on the grass. So everybody need to stop here? Yes. For the permits? Everybody has to stop here. Okay. Thank you for not recording me. No, I'm not recording you. I'm recording myself. Okay. Yeah. If you're oversized or overweight, okay, do not leave here without permits. Oh, okay. Regretfully, all tickets go to the drivers. Yep. Sure. अपनी रजिस्ट्रेशन लेके अंदर आना पड़ता है, फिर यहाँ से परमिट पुल करना पड़ता है. चाहे आप कुछ भी लेके आ रहे हो, ऑनलाइन भी मिलता है, यहाँ से भी मिलता है. वाइड लोड है तो यहाँ से आप नहीं जा सकते विदाउट परमिट लेने के. बाकी कितने पैसे लगते हैं देते हैं. And just be careful, especially on the Campbell Highway. There's a lot of bears, there are wolves and moose. Okay. And you don't want to mess with any of them. Yeah. Really appreciated. No problem. See you then. Have yourself a good day. Bye. भाई जितना डर लग रहा था ना उतनी ही बंदी अच्छी निकली. अपनी रजिस्ट्रेशन लेके आओ, सिर्फ ट्रक की इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन. जितनी बार भी आप यहाँ से जाओगे अगर स्केल खुली तो आपको स्केल का वेट करवा के अंदर जाना ही पड़ेगा. और उसके बाद आपको आपका लोड जितना भारी होगा उसके हिसाब से आपके पैसे होंगे जितनी दूर आपने जाना है अंदर. जैसे बी ट्रेन है ना, ये सामने बी ट्रेन खड़ी है पूरी लोडेड है. इसका $250 बनता है अगर व्हाइट हॉर्स तक जाना है. लेकिन मेरा रूट जो है वो चार नंबर हाईवे व्हाइट हॉर्स से हमने अलग हो जाना है. तो वापसी के ऊपर अगर आप खाली भी आ रहे हो तो भी अगर स्केल खुली है तो आपको ऐसे ही स्केल के ऊपर आके वापसी के ऊपर भी परमिट लेना पड़ेगा. सिर्फ यही दो चीज़ें देखती हैं, लॉग बुक नहीं देखी, कुछ नहीं देखा. बस यही चीज़ें देख के बोलती कि भाई ध्यान से जाना, चार नंबर के ऊपर सर्विस नहीं है. जो वाइट हॉर्स को जाता है वो मेरे ख्याल में दो नंबर है, हमने चार लेना है. चार लेके फेरो जाना है. फेरो अपने जो टंके लगाए हुए थे वो सेट है कि नहीं सेट है. चल रहा है काम भाई, मेरे ख्याल में चल जाएगा. ये परमिट की कॉपी अपने पास रखेंगे और बाद में मालकों को दे देंगे जाके और अपने पैसे ले लेंगे भाई. ये सुपर भी खड़ी है ना बी ट्रेन, ये वाली, इनका 400 kg वेट ओवर है. तो मैडम बोलती है कि भाई वेट सेट करवाओ तो ही जा सकते हो. मेरे ख्याल में आगे ज़्यादा या पीछे ज़्यादा है. अभी इनको सारी टारप खोलनी पड़ेगी सुबह, बड़ा मसला बन जाएगा इनका. ऐसा दिन कभी देखने को मिले ना ड्राइवर को भाई. जैसे ही आप स्केल निकलोगे, स्केल निकलने के सारी 500-700 meters के ऊपर लेफ्ट साइड में आपको ये एक इकलौता पास पेट्रो पास है भाई, इकलौता पेट्रो पास. शुक्र है भाई ये पंप ऑन हो गया, ये लास्ट पंप है. अगर आपको व्हाइट हॉर्स जाना तो यहाँ से 500 किलोमीटर व्हाइट हॉर्स है तो व्हाइट हॉर्स में आपको पेट्रो पास मिलेगा. लेकिन अगर आपने पीछे से फोर्ट नेल्सन से डीजल डाला है, आपको फेरो वाली साइड चार नंबर हाईवे जाना है, चार नंबर हाईवे के ऊपर कोई सर्विस नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से आपको डीजल डालना पड़ेगा. दिस इज द लास्ट ऑप्शन. अगर यहाँ पे मेरे को डीजल ना मिलता तो मेरा भी ट्रिप ऊपर से घूम के मेरे को फेरो जाना है 450, फिर उसके बाद में 550 दूसरी ड्रॉप,
वहां पे भी कोई पंप नहीं है, पूरे रोड के ऊपर 1000 किलोमीटर कोई पंप नहीं। फिर वहां से 500-600 किलोमीटर मैंने वापस आना, पता कहां पे? व्हाइट हॉर्स में 1600 किलोमीटर कोई सर्विस नहीं है अपने को, कल सारा दिन परसों सुबह तक। इतना शुक्र है यहाँ पे सर्विस मिल गई है, डीजल मिल गया। अभी यहाँ पे पता कैसे फुल करना है इसको, दबा दबा के। और यहाँ पे कोई सैटेलाइट पंप नहीं होता, दो मशीनें नहीं है, इसी पैप को घड़ीस के घसीट के उधर दूसरी तरफ लेके जाना पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत खराब है तो कई बार इस पे डीजल होता नहीं है पंप के ऊपर। जितना भी तुन तुन के भर सकते हो ना भर लो भाई। अगर कंपनी ने और कहीं जगह से पिकअप डाल दी तो फिर तो रास्ते में पंगा होगा। मेरा बस चले ना, मैं तो 2-4 बाल्टियां भर के रख लूं अंदर ट्रक के। जितने भी ड्राइवर मिले ना सारे बोल रहे हैं कि हम कभी गए नहीं उस साइड में, जिस साइड में मैं जा रहा हूँ। सारे बंदे जब यूकॉन टेरिटरी में आते हैं तो मोस्टली व्हाइट हॉर्स के लोड है सारे, हर एक के पास। लेकिन हम अकेले बंदे ऐसे जिनको लोड मिला है ये वाले रोड का। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, अभी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि मैं वाटसन लेक से कौन सा रोड पकड़ने वाला हूँ। इतना लंबा पैप होगा नहीं होगा? बन गई बात भाई, शुक्र मनाओ, सारा कुछ अपने फेवर में जा रहा है, उसका शुक्र किया करो। जितना भी है आगे भी सारा सब अपने फेवर में ही जाएगा। और इसके बाद एक और खुशखबरी है और एक अच्छी बात मालूम पड़ी है हमको। ये तो मालूम था कि कनाडा में दो लॉग बुक ही होती हैं, एक साउथर्न कनाडा, एक नॉर्थर्न कनाडा। अगर आप नॉर्थर्न टेरिटरी में घुस जाते हो तो आपके ऊपर नॉर्थर्न कनाडा लॉग बुक के कानून आपके ऊपर लागू हो जाते हैं। उसमें फायदा होता है नॉर्थर्न टेरिटरी में, पता क्या होता है, यहाँ पे रात को 12-1 बजे पूरा अंधेरा होगा और सुबह 3-4 बजे फिर से दिन निकलेगा इन दिनों में, क्योंकि ये सबसे बड़े दिन है। ये हमारा फायदा हो गया। और दूसरा फायदा पता क्या हो गया, वैसे मेरे पास अभी 1-2 घंटे ही बचे हैं, यहाँ पे मेरी बुक खत्म होगी, क्योंकि मैंने 900 किलोमीटर सफ़र कर लिया, तो 900 किलोमीटर करते करते 10.5-11 घंटे आराम से लग गए। वैसे मैं स्पीड में आया हूँ लेकिन फिर भी टाइम लग जाता है। अभी यहाँ से फायदा पता क्या हो गया, नॉर्थर्न कनाडा की जो लॉग बुक होती है उसमें आप 13 घंटे की जगह 15 घंटे ड्राइव कर सकते हो, ये फायदा हो गया। अभी मेरे को स्केल वाली पुलिस वाली मैडम ने बताया और बोलती है कि तुम 2 घंटे एक्स्ट्रा ड्राइव कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि 8 घंटे की स्लीप होती है नॉर्थर्न बुक में, और आप 2 घंटे की जो ऑफ निकालनी होती है उसकी ज़रूरत नहीं है नॉर्थर्न कनाडा में। 7 दिनों में 70 घंटे चलाते हो साउथ में, जिधर हम चलते हैं यहाँ पे आप 80 घंटे ड्राइव कर सकते हो अगर आप 7 के 7 दिन नॉर्थर्न टेरिटरी में लॉग बुक चला रहे हो। ये बड़ा फंडा सही है भाई। कई भाइयों को मालूम नहीं होगा, हम सबको मालूम है नॉर्थर्न और साउथर्न, लेकिन हमको रूल मालूम नहीं थे। एक एक तुक का भी कीमती होगा आगे जाके अपना। आया डीजल तो बस 300 लीटर ही है क्योंकि वजन बहुत हल्का है। ये देखो डैप के डब्बे खाली खड़का के बंदों ने रखे हुए हैं, क्योंकि डैप हर एक बंदा अपना डब्बे वाला लेके आता है। यहाँ पे कोई डैप डूप नहीं है अभी इस पंप के ऊपर। अभी मैं शीशे साफ कर लूँ। रेंज आइए भाई 500 किलोमीटर के बाद में, रेंज आइए 500 किलोमीटर के बाद में। 4 घंटे 5 घंटे 20 मिनट मांगती है 426 किलोमीटर के लिए। ये मैंने स्टार्ट कर दिया रूट, हम जाएंगे इस पे, यहाँ से हो जाएंगे अलग अलग। और मैडम ने खास करके बोल दिया कि भाई कोई सर्विस नहीं है और जानवर बहुत ज़्यादा है, बड़े ध्यान से जाना। मैंने साफ़ किया इसलिए किया था कि ये साफ हो जाए, इसलिए नहीं किया था कि ये साफ ना हो। ये ट्रक ट्रुक ना चलते हुए अच्छे लगते हैं। जिस भाई का वेट ओवर है ना 400, वो अभी गया वहाँ पे स्किड उतरवा के ले गया, स्किड उन्होंने फ्री उनकी मूव कर दी, ट्रेलर के आगे से पीछे कर दिया, जैसे भी कर दिया ठीक है। अभी वापस गया स्केल के ऊपर, स्केल पे 100 किलो उसका फिर से ओवर था। मैडम बोली ये 100 जो है ना ये भी तुमको मूव करवा के ही लेके आना पड़ेगा। अभी भाई फिर 100 किलो मूव करवाने के लिए जा रहा है, लेकिन वो बंदा अभी बंद करके चला गया क्योंकि इनके 7 बजे का टाइम हो गया। तो भाई क्या जिंदगी है ड्राइवर की, यहाँ पे आके जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हमारे मेरे मुंह से भी निकल जाता है कि भाई क्या जिंदगी है ड्राइवर की, 100 किलो है यार, लेकिन देखो अड़ गई तो अड़ गई, 100 किलो भी नहीं छोड़ा। और वाटसन लेक छोटा सा टाउन है, यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं। ये है वाटसन लेक भाई, जो मेन बाजार है वाटसन लेक का। अभी सूरज सीधा आ रहा है, ये क्या फंडा है, बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं फेंस के ऊपर, वापसी पे देखेंगे इसको। कुछ बातें वापसी के लिए भी रख लेते हैं भाई। ये आ गया भाई अपना 4 नंबर हाईवे, जो 1 नंबर हाईवे मेरे मुंह से आगे 2 नंबर निकल रहा था ना, 1 नंबर हाईवे जो मेन हाईवे यूकॉन टेरिटरी का, जिसके ऊपर शोल्डर शाल्डर है, लेकिन जैसे हम राइड के ऊपर गए 4 नंबर के ऊपर कोई शोल्डर कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस ऊपर वाले का नाम है, जितना ले लो उतना अच्छा है। ये रोड के ऊपर आगे कोई सर्विस कोई कुछ नहीं मिलेगा, बस हाँ रोड मिलेगा, नेटवर्क अभी यहाँ तक है, आगे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे रोक के ना थोड़ी मंदीप से बात कर लेता हूँ घर पे, और फिर निकलते हैं, उनको बता दे देंगे भाई मैं निकल गया हूँ यहाँ से, अभी नेटवर्क नहीं आएगा।
वो सही बोल रही थी भाई। देखो आपको लगता है ना कि ये घास फूस निकला हुआ है भाई रोड के ऊपर, कोई शोल्डर नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक आती नहीं यहाँ से। मैं नीचे देखो 25 किलोमीटर मैं आ गया ऑलरेडी, ये देखो नीचे 25-26 हो गया, एक भी कार मेरे को नहीं मिली भाई जो मेरे को क्रॉस करके या मेरे आगे से आ रही है। ट्रक तो बहुत दूर की बात है, देखते हैं भाई क्या होता है आगे जाके। ये टावर है भाई इस हाईवे का, ना पीछे कोई ना आगे कोई, ये रोका हुआ ट्रक, कोई आने जाने वाला नहीं है, बस अपने को जानवर का ख्याल रखना है बाकी कुछ नहीं। मेरे को खुद समझ नहीं आती कि मैं ऐसे वाली हिम्मत लेके कहाँ से आता हूँ, 50 किलोमीटर से ऊपर आ गया हूँ, एक भी बंदा दिखाई नहीं दिया मेरे को इस हाईवे के ऊपर, एक भी बंदा। टशन टशन शिकाल एवरीबडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए, चढ़दी कला अगर ना रखेंगे दिमाग में तो सारे काम होंगे कैसे। देखा ड्रोन उड़ाई, कोई एक इवन कार वाला बंदा भी नहीं दिखाई दिया, दिन में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, तब टेंशन शुरू होगी इसकी। देखते हैं ऊपर वाले ने क्या रंग लिखे हुए। ज़्यादा सफ़र नहीं है वह, जैसे वो लेडी बोल रही थी अभी तो इनके 8 ही बजे, तो अगर इनका 11-12 बजे तक भी दिन रह गया अपना काम बन जाएगा, और 2 घंटे अपने को ड्राइविंग के एक्स्ट्रा मिल गए उसका फायदा हो गया। स्केल वाली लेडी ने बोला था 110 किलोमीटर के बाद में तुमको कैंप आएगा एक, लेकिन अगर कोई एमरजेंसी है फिर आप तुम घुस सकता है उसमें, लेकिन इस हाईवे के ऊपर पूरे 110 किलोमीटर के बाद में स्केल के बाद वाटसन लेक वाली स्केल के बाद आपको राइट साइड में पक्का रेस्ट एरिया आएगा पक्का। मैं अभी उसको क्रॉस करके आगे आ गया, कहीं मैं गलत तो नहीं घुस गया कहीं। ये देखो भाई रोड देखो आगे, अगर आगे से कोई ट्रक ट्रुक आ गया तो भाई जाना कहाँ पे, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी कच्चे पैर में डाल दिया मेरे को भाई। बाबा जी मालूम नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी मेरे को भी डर लगना शुरू हो गया यार, ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मैंने सुना 4 नंबर मेन हाईवे इनका तो पक्का तो होगा कम से कम, ये देखो कितना छोटा हाईवे रह गया, और मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी, वो देखो आगे कार आ गई और दोनों दोनों को आमने सामने जाने के लिए रास्ता है नहीं। इसको मैं लैंड मारता हूँ, इसको रुकवाता हूँ। हेलो, इज दिस द गुड हाईवे फॉर द ट्रक? ओके थैंक यू। ये भाई यूकॉन टेरिटरी का मेन 4 नंबर हाईवे, 1 नंबर हाईवे, 4 नंबर हाईवे, वाटसन लेक से 2 ही हाईवे जाते हैं। मैंने इसको बोला फार हो जाना है, बोलता हाँ हाँ चले जाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं लगी। मैंने बोला ट्रक के लिए सही रोड है, अभी हमारी इंग्लिश इनको समझ ही नहीं आती यार, धोखा हो गया भाई अपने साथ में बहुत बड़ा। ये वाला रोड जो 4 नंबर है ना, ये तो भाई चलने के लायक ही नहीं है, ये तो ग्रेवल रोड है सारा छोटा सा। अभी इसके पास से मेरा ट्रक कैसे निकलेगा मेरे को मालूम नहीं है भाई, इनकी आरवी खराब हुई पड़ी है और ये यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं यहाँ, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं लेकिन मेरे लिए सही नहीं है। थोड़ा सा शोल्डर से ट्रक नीचे गया तो नीचे उतर जाएगा ट्रक, उसको मालूम पड़ा कि आगे ट्रक आ रहा है, निकल जाएगा, खराब हो गया इनका कुछ लगता है। कई कई बार ऐसा होता है भाई। वो मैडम मेरे को बोल रही थी वैसे नॉर्मली वाटसन लेक से कारमैक्स से जाते हैं फेरो 600 किलोमीटर, मैंने बोला भाई ये 400 किलोमीटर है ये सही है, बोलती हाँ ये भी सही है,
और इसका परमिट भी उसने काट के दे दिया, और ये भी नहीं बोला कि भाई ये बहुत नैरो रोड है, तुम पहली बार आया भाई ना यूज़ करो ये वाला रोड, कारमैक्स की तरफ से चला जाओ। लेकिन मालूम नहीं मैडम के दिमाग में क्या आया। यहाँ पे टर्न आता है ना, मैं थोड़ा हॉर्न बजा के जा रहा हूँ कि मेरी स्पीड 85 की है, अगर कोई आगे से आ गया ना ट्रक तो ब्रेक ही नहीं लगनी भाई, तो जगह है नहीं, एडवेंचर करते करते कहीं अपना एडवेंचर ना हो जाए। ये ब्रिज जलेगा भाई, यहाँ पे पहले रोड था, रोड टूट टूट के खराब हो गया और किसी ने कभी बनाया नहीं क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं है रोड बनाने के। ये है तो इनका हाईवे, लेकिन अभी इसकी हालात ऐसी हो चुकी है अभी ये हाईवे रहा ही नहीं, बीच बीच में नीचे मालूम पड़ता है कि कहीं पहले यहाँ पे रोड हुआ करता था 40-50 साल पहले। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, देखा एकदम अंधा हो गया मैं। ये तो इतना अच्छा है, शुक्र है ऊपर वाले का कि मेरे पास वजन नहीं है, और ऊपर से गर्मियां हैं। अगर सर्दियों में मैं जिंदगी में कभी, इसलिए मेरा रूल है कि मैंने कोशिश की कि गर्मियों में पहले एक बार यूकॉन देख के आते हैं, अगर सर्दियों में पहला रोड मिलता यही रोड मिलता तो मैंने यही रोड पकड़ लेना था सर्दियों में भी। ये कोई रोड थोड़ी ना है यार, ये तो कच्चे पहे के ऊपर ग्रेवल रोड है, बीच बीच में कभी मालूम पड़ता कि हाँ यहाँ पे पहले कभी रोड था। टार्प का हाल देखो, ट्रक मैं बड़ा आराम आराम से लेके आ रहा हूँ, ट्रक का हाल देखो, ट्रक पूरा गंदा हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले बारिश हुई। ये देखो नीचे रोड था पहले। ये भाई ड्राइवरी है, कुछ भी हो सकता है, कहीं भी फंस सकते हो। वॉटसन लेक से कभी भी जिंदगी में 4 नंबर हाईवे लेके फेरो नहीं आना भाई। वॉटसन लेक से सिर्फ 110 किलोमीटर हाईवे पक्का है, बाद में सारा 50-60 वाला हाईवे गर्मियों में। सर्दियों में ट्रक के लिए ये हाईवे वॉस्ट है, वॉस्ट। ये मैं आज चला चला के बोल रहा हूँ। अभी आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि भाई एनके क्यों नहीं लगा रहा। जब भाई एनक लगा लेता हूँ ना तो यहाँ पे शेडो पड़ती है ना रोड के ऊपर, वहां पे एनक में दिखाई नहीं देता कि नीचे गड्ढा कितना गहरा है। दुखी किया हुआ है भाई, ब्लाइंड हो जाता हूँ एकदम मैं। जब सूरज आता है ना तो छांव वाला जो एरिया है वहां पे भाई एकदम से ब्लाइंड हो जाता हूँ। मेरे को ये डर है कि अगर यहाँ पे ट्रक कहीं नीचे उतर गया ना तो टो वाला तो भाई यहाँ पे 2-3 दिन नहीं आएगा जैसे हालात है, इसलिए बचा के रखना है ट्रक को। अभी देखो एकदम सूरज आया ना, अभी देखो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ये तो अभी दिखाई दे रहा है लेकिन आगे देखो, आगे मेरे को बिल्कुल ब्लाइंड हो गया। ये मेरा टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है, अभी बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है टाइम। और यहाँ पे एक और खबर है, ये बोलते हैं यहाँ पे एक ट्रैक बंद हो गया, एक ही रह गया। और भाई पहले 2 ट्रैक कहाँ पे हैं? उधर अपनी प्रोविंसेस में अगर कोई सिंगल नंबर वाला हाईवे होता ना तो हम लोग बोलते हैं कि भाई बहुत बड़ा हाईवे होगा ये सिंगल नंबर वाला हाईवे, और यहाँ पे भाई ये सिंगल नंबर वाला हाईवे। आपको भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरे को मालूम है। भाई
यहाँ पे तो उतरने में भी डर लगता है भाई। मैंने सोचा तब तक सूरज थोड़ा नीचे हो जाएगा भाई, सूरज ने कोई ना कोई गलती हो जानी थी, अभी आराम से चलते हैं। सूरज थोड़ा नीचे हो गया, 10 मिनट लगे अपने को, जो पंगा पड़ गया है अभी इसको पॉजिटिव माइंड होके इसको हल करना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई गलती कर लेंगे फिर फंसे रहेंगे सारी रात यहाँ पे। विडी पैक का एक हो गया, यहाँ पे हो गए 11 और दिन देखो अभी दिन, वो लेडी की बात सही थी, यहाँ पे दिन नहीं डूबता भाई। मेरे ख्याल में अभी भी 1-1.5 घंटा आराम से दिन रहेगा और हमारे लिए फायदा ही है, सूरज नीचे चला जाए और दिन रहना चाहिए। रोड का बड़ा बुरा हाल है भाई, बड़ा बुरा हाल है। ये मेरी जिंदगी का वर्स्ट एक्सपीरियंस है कनाडा में किसी रोड के साथ में। अपने हिसाब से तो मैं बड़े बढ़िया रोड लेके निकल रहा था कि भाई 4 नंबर लेके जाते हैं, 400 किलोमीटर है, 5-6 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी मेरे को रास्ते में रुकने के लिए जगह कहीं नहीं मिल रही, लॉग बुक तो वो कार आ गई। ओए बधाई हो भाई, सामने कार दिखाई दे रही है भाई। अगर कोई बंदा हुआ तो इसको पूछते हैं भाई मालूम है भी कितने किलोमीटर रोड की हाल ऐसी रहेगी, कोई पुलिस वाला तो नहीं है। Hey man, how many kilometers roads like this? Pardon me? How many kilometers roads are bad? The Ross River? Where are you going? Faro? Yeah. You got about another 3 hours. Road is bad like this? It's just the same, yeah. Okay, thank you. Okay. भाई गलती होगी शीशा खोल के, बाहर उन्होंने ना मुंह पे जाली पहनी हुई है, उन्होंने उनको मच्छर ने घिरा हुआ है और बोलता कि अभी भी 3 घंटे लगेंगे, अभी भी 3 घंटे, क्योंकि बोलता है सारा रोड ऐसा ही है। ऐसे कसूते फंसे हुए ना रास्ते में रुक नहीं सकते, अभी ऐसे रोड के ऊपर कहाँ लगा के सो जाऊं। आजा भाई तेरे को रास्ता दे रहा हूं। जब कोई बंदा दिखता ना भाई खुशी बड़ी होती है इस रोड के ऊपर की, शुक्र है कोई आने जाने वाला दिख रहा है, और एक टेंशन थोड़ी सी हो जाती है कि भाई कोई लूटने वाला तो नहीं आ गया। दिमाग में अलग अलग विचार आते हैं बंदे के। ये प्रोविंस में भाई रात रूत नहीं होती, 2 बज गए सुबह के विनिपेग के और यहाँ पे 12 बज गए रात के। कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि 300 किलोमीटर लंबी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी, और वो भी बाइक पे, कार पे नहीं, ट्रक पे। और ये ऊपर वाले ने अपने ऊपर देखो कितना फायदा किया है, अगर अंधेरा हो जाता तो ये रोड के ऊपर मेरे लिए वही 10-20 की स्पीड रहनी थी। अभी कम से कम दिख तो रहा है ना, कोई टोआ आता है बड़ा वाला तो मेरे को मालूम पड़ जाता है। यहाँ पे तो चाहे बेल्ट भी ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है, ना बंदा है ना बंदे की याद है यहाँ पे, कौन देखेगा बेल्ट लगी हुई या नहीं लगी हुई। अगर ये ऐसे वाले खड्डे ना हो यहाँ पे फिर भी रोड 70-80 वाला है, लेकिन जो खड्डे है ना उनकी वजह से 50-60 नया ट्रक है यार किसी का, इसको वापस भी लेके जाना है। वो बंदा जब वीडियो देखेगा एक बार तो बोलेगा भाई कि ये मेरे ट्रक के साथ में हो क्या रहा है, लेकिन उसको क्या मालूम कि भाई ट्रक के साथ नहीं हमारे साथ देख क्या हो रहा है। माहौल ठीक है ना, काले वाला दोस्त तो नहीं है अपना, वो पीछे मिट्टी मैं उड़ा के आया सारी। ओ भाई साहब ट्रक का हाल देखो, टारम मैंने सुबह उतारनी है, टाइम देखो 4 सेंट जोन का 12:30 सुबह के। मैंने नहीं देखा भाई जिंदगी में ऐसा वाला नजारा, पूरी रात दिन ही दिन है यहाँ पे यूकॉन में, और ये देखो लेक कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे वाला दिन अपने निकलना सुबह 4-5 बजे, यहाँ पे 12:30 हो गए कोई अंधेरा नहीं हुआ। इसको बोलते हैं जब ऊपर वाले की कृपा होती है ना तो वो कौन सा खुद आके देखता है, ऐसे वाले कामों में ही देखता है भाई। अभी देखो अगर रात होती तो मैं फंस जाता बुरा, लेकिन अभी देखो रात हुई नहीं। भाई जहां भी जगह मिली ना जहां भी बस एक रेस्ट एरिया आया, मैंने ट्रक के अंदर घुसेड़ा सो गया। मैंने बोला देखी जाएगी सुबह उठ के, वैसे तो सुबह ही थी अंधेरा तो हुआ ही नहीं, लेकिन दिमाग थका हुआ था।
ट्रक के फेंडर फूंडर पूरे हैं ना नीचे वाले, इतना भाई ट्रक को रात को बेचारे को प्रॉब्लम हुई है ना, शुक्र है कि बचा है, सारा कुछ पूरा है। यहाँ पे गार्बेज बॉक्स है, बाथरूम तो मैं यूज़ नहीं करूँगा इनके। रोज रिवर का एरिया है और यहाँ पे डायनासोर रहते थे पहले, वॉच आउट फॉर द डायनासोर। ये कोई नया सांप निकाल दिया भाई इन्होंने, मैं तो पहले काले वाले दोस्त से डर रहा हूँ अपने। अकेला ही ट्रक है, कोई कार, ये हाईवे चार नंबर, कोई कार नहीं गई जब से मैं उठा हूँ, मेरे को 15 मिनट हो गए। कार कहाँ से जाएगी, सारी रात भाई उधर से आए, 2-3 कारें मिली हैं टोटल। पक्का रोड आता है ना बीच में, ये 100 मीटर का पक्का रोड है, और जैसे 100 मीटर निकल जाएगा ना, ये बंदे को एहसास दिला देते हैं कि भाई आपके नीचे पक्का रोड है। और ये देखो साथ में ये वाला बोर्ड आ गया कि आगे पक्का रोड खत्म हो गया, आगे ग्रेवल रोड है। जंगल है भाई, पूरा जंगल है, कोई बंदा नहीं रहता। अगर आपका ट्रक खराब हो गया, आपका आपके पास में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फारो जाके अभी मेरे को नेटवर्क आएगा कहीं थोड़ा सा, वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी दूसरे लोगों से फिर से कनेक्ट होगी, घर वालों को बताएंगे कि ठीक ठाक पहुँच गए, कंपनी वालों को बताएंगे कि हाँ भाई पहली लोकेशन पे पहुँच गए। ऐसा ही है कुछ यूकॉन टेरिटरी का, ये जो टेरिटरी है ना इसमें एक ही हाईवे जो वाटसन लेक से वाइट हॉर्स जाता है, और वाइट हॉर्स से मेरे ख्याल में आगे बाकी आज पहली डिलीवरी करके उसके बाद में देखेंगे आगे माहौल क्या है। बिल्कुल फैरो वाला एग्जिट जहाँ से हमने अंदर जाना ना, जहाँ पे अपनी डिलीवरी है, वहाँ पे आगे इंटरनेट आया। और दूसरी एक और बात यहाँ पे देखने को मिली है, ये देखो कि वो वाला रोड जो उस तरफ से आ रहा है ना वो पक्का रोड है, वो देखो सामने दिखाई दे रहा है पक्का रोड है, और ये पूरा कच्चा रोड है भाई, चार नंबर हाईवे। अगर आपको 100-200 किलोमीटर उधर से ज़्यादा पड़ रहा है ना, कोई मसला नहीं है, उधर से आओ आराम से आओ। चलो मैं तो पहली बार आया था, मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों को तो मैंने बता दिया ना, और मेरे ख्याल में यहाँ से 10 किलोमीटर अंदर जाना ना तो ये भी पक्का रोड ही है। ये देखो हम तो भाई जंगल से आए, जंगल से, और चलो शुक्र है ऊपर वाले का, चढ़ती कला में सारा ठीक ठाक हो गया, पक्का रोड आ गया। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे बस अपनी डिलीवरी है वहाँ पे, शुक्र है भाई पहले डिलीवरी पे पहुँचे। मैं तो भूल ही गया था डिलीवरी, मैंने सोचा ये वाला लोड अभी एक आध महीना ऐसे ट्रेलर के ऊपर ही रखेंगे। पक्का रोड पक्का ही होता है, कम से कम रोड है, लाइनें दिख रही हैं, आप 80-90 पे जा सकते हो, आपके ट्रक ट्रेलर का कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई गड्ढा नहीं आ रहा। वो तो भाई कितने बड़े बड़े गड्ढे थे, मैं 10-10, 20-20 की स्पीड के ऊपर ब्रेकें मार के आया उधर। ओ फाइनली पहली डिलीवरी के ऊपर भाई पहुंच गए। अभी ये लोग बताएंगे कहाँ खाली करना है और कहाँ नहीं। अभी तो टार्प उतारनी पड़ेगी भाई, टार्प बहुत ज्यादा गंदी होगी, पूरा जो गंद था ना पानी वाला वो लगा हुआ है इसके ऊपर। जैसे कस्टमर बोलेगा भाई वैसे करना पड़ेगा, तभी तो वो उतारेंगे। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है कोई, मेरे ख्याल में उसके लिए मटेरियल होगा, ये कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है। बेल्टों का काम खत्म हो गया, अभी चकड़ी मालूम नहीं कहाँ है, जो बेल्ट रोल करने वाली चकड़ी होती है ना मेरे को मिली नहीं, कहीं रखी होगी भाई ने। मैंने सोचा था एक मटेरियल की एक टार्प होगी, लेकिन ये जो ये वाले रोल है ना, ये पिंक वाले इनके, ग्रीन वाले आगे वाले डिलीवरी के, तो यहाँ पे पंगा हो गया। अभी वो टार्प वहाँ तक आएगी नहीं आएगी, मेरे को लगता नहीं कि आएगी। उस दिन गजेंद्र के साथ में मैंने टार्प फोल्ड की थी ना, उसका मेरे को अभी फायदा होने वाला है। उतार ला भरा, फ्री कर दे मैनू। आज पहले दिन टायर उतारी है भाई, फोल्ड की है, अभी इसको बोलेंगे ऊपर रखा दे फोरक्लिप से। ऐसे हेल्प ली जाती है भाई बंदे की, गिर जाएगी कि नहीं। आई वाह, थैंक यू। कौन बोलता है कि टायर बहुत हल्की होती है,
suddenly all the gravel road starts from the and there is nothing stop and no rest area anything. Kitne dinon ke belt maarte hue abhi tak akal nahi aayi. Belt na railing ke andar se karni hoti hai, main har bar bahar se karta hu. Agar Alaska bhi dekhna hai aur paise bhi kamane hai phir to yahi kaam hai. Jo raat ka experience hai, aisa experience kabhi zindagi mein ho sakta hai kahin? कोई भी चीज़ ट्रेलर के ऊपर लूज नहीं होनी चाहिए, ये इनका कानून है. कपड़ों का हो गया बुरा हाल, आज उतारी है गंदे वाली टार्फ. ये लो भाई, पाँच रुपये किलो. सारे बॉक्स भरे हुए हैं भाई, जगह तो है नहीं कहीं रखने के लिए सामान, क्योंकि इससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ट्रेलर के ऊपर बॉक्स नहीं है. खून पसीने की कमाई है भाई, इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं किए. मैं बोला एक बार लोड खाली हो गए, लोड उठा लें फिर बाद में कपड़े कुपड़े देखते हैं. ये टार्प का बड़ा पंगा होता है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं जिंदा. ओए ओए ओए, क्या व्यू है भाई, कितना भाग रहा है ट्रक, वाह वाह वाह. बड़े ट्रक के अंदर आए हुए हैं भाई, ये इसके गियर है, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और स्पीडोमीटर स्पीड इतनी ज्यादा है कि इसका मीटर ही तोड़ दिया उन्होंने. देखो मीटर, यू आर ब्यूटीफुल, वाह. नंद बहारा, नंद बहारा. आयो आयो आयो, नए ट्रक के ऊपर सफर करेंगे भाई, अभी अभी जंसी से निकाला है. बढ़िया लगा भाई ट्रक मेरा, आगे का शीशा, आगे का शीशा. अभी इस वाले ट्रक के ऊपर चलते हैं. देयर इज एनीथिंग इन फेरो लाइक आई कैन गो एंड ग्रैब समथिंग. ऑन सेम रोड. अंदर जा सकते हैं, अंदर फूड फाड़ मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पर ना इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, माइन लगी हुई है यहाँ पे, लेड और जिंक निकलता है यहाँ से, इसलिए ये सारा सामान आ रहा है टाउन ऑफ फेरो. और ये जो ट्रक है ना, ये 65 टन्स और हॉल ट्रक नंबर 3 है. तो ये माइन का काम करता है, लेड एंड जिंक निकलता है यहाँ से अंदर. लेकिन अंदर नॉर्मल बंदे को जाने की परमिशन नहीं होती, ऐसे ऐसे जो गोरियाँ होती हैं, गोरे होते हैं, उनको जाने की परमिशन है भाई. उसने बताया एक अंदर रेस्टोरेंट है, वहाँ से कुछ उठा सकते हैं, लेकिन उठाने के लिए मैंने आपको बोला था ना कि अपने मतलब की चीज़ें नहीं मिलेंगी अभी आगे, तो अपने पास खाना है, यहाँ से खाना खा के निकलेंगे. और रास्ते में ना मेरे ख्याल में यहाँ से 200 किलोमीटर दूर जाके ना कारमैक्स नाम का एक टाउन आता है, वहाँ पर फ्रेश होने का मौका मिलेगा. उसको भी मैसेज करना है, जिसको भी कॉल करनी है, यहाँ से करके निकलना है. 200 किलोमीटर फिर रेंज नहीं आएगी. मैदान सजा हुआ है भाई, सुकून से खाना खा के यहाँ से निकलेंगे आगे. बाद में देखें इतनी मुश्किल जो रात हमने काटी है वो भी निकल गई, तो ये तो अभी बहुत बढ़िया दिन है. उससे शुक्र है ऊपर वाले का. आज मेरे दादाजी की डेथ एनिवर्सरी है, तो आज के दिन मेरे दादाजी हमको छोड़ के चले गए थे. ज़िंदगी में पहली बार जो कार की ड्राइविंग मैंने की थी वो मेरे ख्याल में 10-11 साल की उम्र में दादाजी ने अपनी गोदी में बिठा के मेरे को मारुति कार पकड़ाई थी अपने वाली, मेरे को याद है. ड्राइवरी के वो आइडल हैं, मेरे उस्ताद हैं ड्राइवरी के, उन्होंने मेरे को पहली बार कार की ड्राइवरी सिखाई. मैंने बहुत ड्राइवरी की उनकी गोदी में बैठ के, और ट्रक भी चला लिया था 11-12 साल की उम्र में 2-3 किलोमीटर तक. लेकिन दादाजी बोले कि भाई तू इंडिया वाले ट्रकों में ध्यान मत दे, पढ़ाई में ध्यान दे. लेकिन हमारा कहाँ कीड़ा निकलता है भाई, धीरे धीरे देख लो. इंडिया में ट्रक नहीं चलाया तो दुबई में जाकर चला लिया, दुबई नहीं चलाया तो भाई कनाडा में चला लिया. चलो खाना खाते हैं, टाइम बहुत कम है, आगे भी जाना है भाई. 530 किलोमीटर दूसरी लोकेशन है. You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.